इनके लब रंगी मिठाबल के जिसने जो किन्नर वगैरह हैं यानी छः नंबर या हिजड़े जिनको बोलते हैं आम जुबान में, तो इनके बारे में सवाल है क्या ये जन्नत में जाएंगे और ये यानी अपने इस मामले की वजह से गुनाहगार भी हैं या नहीं हैं। तो देखें, जन्नत में जाने का तो कायदा ये है कि हर मोमिन जो है कलमा को जो सच्चे दिल से ईमान भी लाया और उसको तस्लीम भी करता हो और अपने अकायद में दुरुस्त भी हो। बाज़ लोग इसमें ये समझ रहे होते हैं कि शायद कलमे से मुराद ये कि जो कलमा पढ़ ले जन्नत में चला जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कलमा पढ़ने वाले भी जहन्नम में जाएंगे और हमेशा हमेशा रहेंगे, जिनके अकायद और नज़रियात जो हैं वो किसी नबी के लिए तोहीन वाले होंगे या के दर्जे को उनके कम करते होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बंदा कलमा ही पढ़ ले तो वो जन्नत में चला जाएगा या मोमिन हो जाएगा। कुरान इसका इनकार करता है कि हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं है, लिहाजा अकीदे भी उनके दुरुस्त होने चाहिए अल्लाह रसूल के बारे में, इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत के बारे में और जितने मामले हैं उनसे कोई ऐसा कुफ्र नज़रिया ना हो तो हर वो मुसलमान जन्नत में चला जाएगा। अब जिन्होंने गुनाह किए हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफ़ कर दे तो वो बिना जहन्नम में जाए भी जन्नत में जा सकता है। हुज़ूर अलैहि सलाम की सिफारिश या किसी वली की या किसी नेक की शफात के ज़रिए भी जा सकता है, वगरना ये कि हर बंदा यानी जो मुसलमान है अपना अज़ाब जहन्नम में भुगतने के बाद जन्नत में ज़रूर जाएगा। ठीक है, छब रहा ये जो किन्नर वगैरह होते हैं तो ये दो किस्म के होते हैं, एक तो वो के जो कुदरती होते हैं यानी अल्लाह ताला की तरफ से बनाई हुई मखलूक है, और इनमें खुद का इख्तियार या खुद की तब्दीली जो इनके ज़रिए से है वो शामिल नहीं होती। मसलन ये कि किसी के बात करने के अंदाज़ या उसकी हरकत चलने वगैरह से ये मालूम होता है कि जो औरत से मुशाबा रखती है उसकी आवाज़ ऐसी है या हाथ वगैरह चलाने के अंदाज़ ऐसी हैं कि जैसे औरतों के होते हैं, किसी के अंदर अगर ये अलामत है और ये शख्स कुदरती तौर से इस तरीके का मामला है तो उम्मीद है कि इस शख्स के ऊपर कोई यानी गुनाह वगैरह का मामला कयामत में नहीं होगा। लेकिन इसको भी हुक्म ये है कि उसको ये अपनी बातों को अंदाज़ को और मर्दाना ही बनाए और इसमें कोशिश भी करे, अगर नहीं बनते तो कोशिश करे, यानी जितना हो सकता है उसमें कोशिश करे अपने बात करने के अंदाज़ में, जैसे मर्दाना ही लिबास पहने, मर्दाना ही अख्तियार करे सारे मामला पहनने ओढ़ने के। ऐसा नहीं कि अगर इसकी हरकतें ऐसी हैं तो इसको लड़कियों वाले या औरतों वाले लिबास पहना दे जाए, ऐसा ना करे। तो अगर ये इस किस्म का अगर कोई शख्स है कि जिसके अंदर इस तरीके की अलामत है और वो लिबास मर्दाना पहनता है और सारे मामलात मर्दों के साथ ही उठना बैठना भी है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उसकी ये हरकतें हाथ वगैरह बहुत औरतों की तरह चलाने की वो नहीं जाती हैं, बात करने का अंदाज़ उसका ऐसा है या फिर आवाज़ ऐसी है कि जो औरतों से मुशाबा रखती है और वो कोशिश के बाद भी नहीं निकलती, तो इसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है और अगर ये मुसलमान है तो इंशाअल्लाह ताला जन्नत में भी जाएगा। अच्छा, दूसरी किस्म के वो हैं जो आजकल बाज़ार में जो हैं उनको बनावटी आप कह सकते हैं कि जो कुदरती तौर से तो हिजड़े नहीं होते, लेकिन ये कि वो अपने जो हैं जिस्म में तब्दीली करके वो हिजड़े बनते हैं, यानी ये कि जिसमें औरत में मखसूस आज़ा जो होते हैं खातून के उसके अंदर तब्दीली करके ये उनसे मुशाबहा पैदा करते हैं, तो इस मुशाबहत की बिना पर उनको जो है देखने में दूर से वो यानी औरत महसूस होते हैं, जबकि वो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे मर्द। तो ऐसे लोग जो हैं वो ज़रूर जहन्नम में जाएंगे अपना अज़ाब भुगतने के लिए। और बाकी जो पहली किस्म का है वो इंशाअल्लाह ताला अगर कोई इसका दूसरा मामला नहीं है गुनाहों का तो जहन्नम में नहीं जाएगा। तो जो दूसरे किस्म के आजकल के जो आप दौर में देखते हैं ना उसमें 99% तो ऐसे हैं जो वो बनावटी हैं, यानी वो पैदा जो हुए थे वो मेल हुए थे लेकिन उन्होंने अपने जिस्म में तब्दीली करके वो ये अपने कमाने वगैरह का ज़रिया बना लिया नाचने गाने का। तो इस तरीके के मामले में ये लोग मुलव्वस होने के बाद ख़ुद को तब्दील करते हैं, अल्लाह ताला ने इनको ऐसा नहीं बनाया, तो ये अपना अज़ाब जो है वो भुगतेंगे गुनाहगार भी, और ये कमाई का ही ज़रिया होता है नाचना गाना या दूसरे बदफेली वगैरह, तो इनकी रकम जो है ये इस किस्म की जो कमाते हैं ये भी हराम है। बाकी ये कि अगर इनके अकीदे दुरुस्त हैं तो जन्नत में जो है वो जाएंगे अजाब भुगतने के बाद, और पहली सूरत में अगर अकीदे दुरुस्त हैं तो उस पर कोई इंशाअल्लाह ताला अजाब भी नहीं होगा। और हदीस पाक में जो लानत है ना, यानी जो मर्द औरत की तरह या औरत मर्द की तरह अपने वाज़े बनाए लिबास या सूरत इख्तियार करे मर्दाना या मर्दानी औरत या
जनाना मर्द, वो लोग इसमें भी यानी इस हदीस के तहत इस लानत में भी वो दाखिल हैं जो इस तरीके का मामला करते हैं कि जो थे तो मर्द लेकिन वो नकली किन्नर जो है ना बन गए हैं कमाने के जरिए से। पत्थर में असल ला